नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की जो क्लास है उसमें अपने करने जा रहे हैं पैमाने या स्केल्स। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपने किए थे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के क्वेश्चन किए थे, उसकी थ्योरी को भी समझा था। और उस पर एक वीडियो और मैं अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको जो तीनों व्यू हैं, फ्रंट व्यू, टॉप और साइड व्यू, वो बनाए कैसे जाते हैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो आइए देखते हैं स्केल। स्केल में साथ साथ में अपने क्वेश्चन भी करेंगे, और जो भी क्वेश्चन में थ्योरेटिकल कंसेप्ट होगा वो भी आपको बीच में समझाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है स्केल के आर एफ फैक्टर, आर एफ की गणना का सही सूत्र हमें लिखना है। देखिए, आर एफ फैक्टर का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, या हिंदी में लिखा आ सकता है निरूपक भिन्न लिखा आ सकता है, निरूपक या निरूपित भिन्न भी लिखा आ सकता है। तो हमें ऐसा हो सकता है, आर एफ फैक्टर की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। और ये होता क्या है वो देखिए, ये होता है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मोबाइल का टावर है या जिसकी भी हमें ड्राइंग बनानी है, तो आर एफ फैक्टर निरूपक भिन्न है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर तो हम लिखते हैं हमेशा ड्राइंग में आकार, कि जो हम ड्राइंग शीट पर किसी वस्तु की ड्राइंग को बना रहे हैं वहाँ पर क्या माप है, और बटे में आता है उसका वास्तविक माप या वास्तविक आकार, और ये दोनों चीज़ें एमएम में होती है। तो इस तरह से आर एफ फैक्टर हमें निकालना है। तो अब देखिए हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन में से क्या आ जाएगा। तो ऑप्शन आपके सामने है, पहला है ड्राइंग पर कंपोनेंट का आकार एमएम में बटे कंपोनेंट का वास्तविक आकार एमएम में, दूसरा है ड्राइंग पर कंपोनेंट का आकार एमएम में बटे कंपोनेंट का वास्तविक आकार एमएम में। तो ये तो बिल्कुल सेम ही लिख दिया गया है, यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं दिखाई दे रहा है इनमें। तो ए और बी तो यहाँ पर बिल्कुल सेम है यहाँ पर। उसके बाद देखिए अगला क्या ऑप्शन है, ड्राइंग पर कंपोनेंट का आकार बटे मापी जाने वाली अधिकतम लंबाई, ये नहीं होगा इसका, और स्केल की न्यूनतम लंबाई बटे कंपोनेंट की अधिकतम लंबाई, ये भी नहीं होगा इसका। तो आर एफ फैक्टर क्या आ जाएगा, देखिए आर एफ फैक्टर आएगा ड्राइंग पर हम क्या बना रहे हैं बटे में कंपोनेंट का वास्तविक आकार एमएम में आ जाएगा। तो ए और बी दोनों ही यहाँ पर तो सेम है। उसके बाद देखिए आर एफ फैक्टर की अगर बात करें तो मैं बता देता हूँ आपको कि ऐसा भी लिखा सकता है कि ड्राइंग में वस्तु का साइज बटे वस्तु का वास्तविक साइज, साइज ऑफ कंपोनेंट इन द ड्राइंग अपॉन एक्चुअल साइज ऑफ कंपोनेंट का जो रेशियो है वो आर एफ फैक्टर है। अब एग्जांपल देखिए, हमें एग्जाम में कोई वैल्यू दे देगा और उसका पूछेगा कि आर एफ फैक्टर बताओ क्या है। देखिए आर एफ फैक्टर का मतलब ये होता है कि मोबाइल टावर की अगर ड्राइंग बना रहे हैं तो ऐसे ऐसा नहीं है कि उतनी बड़ी ड्राइंग बनना संभव नहीं है, हमें क्या है मोबाइल टावर के माप को छोटा करना होगा। तो आर एफ फैक्टर का मान क्या हो जाएगा, एक से कम हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर घड़ी की ड्राइंग बनानी है तो आर एफ फैक्टर बड़ा हो जाएगा, या ऐसी वस्तु है जितनी वो बड़ी है उतनी ड्राइंग बनाएंगे तो आर एफ का मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल कि 1 मीटर लंबाई है, उसको ड्राइंग में हमें क्या दिखाना है 1 सेंटीमीटर, कि कोई 1 मीटर लंबी दूरी को हमें ड्राइंग पर बस कितना बनाना है 1 सेंटीमीटर की दूरी बनानी है। तो इसका आर एफ फैक्टर देखिए ड्राइंग में कितना बनाना है 1 सेंटीमीटर, बट्टे में क्या आएगा वास्तविक, वास्तविक कितना है 1 मीटर, मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो 100 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो क्या बनेगा, ये 1/100 बनेगा। और देखिए सेमी से सेमी कट रहा है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आर एफ फैक्टर की कोई इकाई है वो क्या है, इसकी इकाई नहीं होती, कोई इकाई नहीं होती आर एफ फैक्टर की। अगला इसमें देखिए एक एग्जांपल और दिया, यहाँ देख सकते हो आप, अगला है कि 3 किलोमीटर की लंबाई को 15 सेंटीमीटर से दिखाना है। तो क्या करेंगे, ऊपर आएगा 15 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर थोड़ा गलत किया हुआ था बुक में, 15 सेंटीमीटर आएगा, बट्टे में क्या आएगा 3 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, फिर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, और 3 से ये कट रहा है 5 बार, और फिर 5 से ये 100 कटेगा 20। तो इसका जो आर एफ फैक्टर है वो आ जाएगा 1/20,000, इसका आर एफ फैक्टर आ जाएगा। तो हमें एग्ज़ाम में सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता है सिर्फ ये क्वेश्चन देकर कि इसका आर एफ फैक्टर बताइए क्या होगा। तो इस तरह से हमें आर एफ फैक्टर को निकालना है। अब देखिए आर एफ फैक्टर का मैंने आपको बताया कि अगर किसी बड़े ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बना रहे हैं, जैसे मोबाइल के टावर की है या जो ब्रिजेज होते हैं ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज, इनकी अगर ड्राइंग बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि जितना बड़ा उनका आकार है उतनी ड्राइंग बना देंगे, उसको छोटा, उसके आकार को छोटा करेंगे, उसके आकार को छोटा करेंगे तो आर एफ फैक्टर का मान क्या हो जाएगा वहाँ पर, 1 से
कम हो जाएगा, तभी तो हमें दूरी कम मिलेगी। और अगर घड़ी की ड्राइंग बना रहे हैं जैसे छोटे उपकरणों की, तो आर फैक्टर बड़ा हो जाएगा, और अगर साइज़ को सेम रख रहे हैं तो आर फैक्टर एक के बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या है, आर फैक्टर के कितने मान मिल रहे हैं यहाँ पर, तीन मान मिल रहे हैं। और इन्हीं तीन मानों के आधार पर, आर फैक्टर के आधार पर पैमाने क्या हैं, स्केल, वो तीन प्रकार के लिए जाते हैं। कौन सा? फुल स्केल। फुल स्केल का मतलब आर फैक्टर का मान क्या है, एक। जितना वास्तविक आकार है उतना ही ड्राइंग में बना रहे हैं। दूसरा है रिडक्शन, मतलब आकार को छोटा किया जाता है। किस लिए? क्योंकि ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, वो बड़ी है, जैसे मोबाइल टावर है, तो आर फैक्टर इसके लिए क्या आ जाएगा, रिडक्शन स्केल के लिए एक से कम आएगा। और इनलार्ज मतलब स्केल को बड़ा किया जाता है, जैसे अपने हैंड वॉच है उसकी अगर ड्राइंग बना रहे हैं, या जो टीवी का रिमोट है उसकी ड्राइंग बनाएंगे, तो स्केल को बड़ा करेंगे तो आर फैक्टर का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक से ज़्यादा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि आर फैक्टर के आधार पर स्केल कितने प्रकार के हो जाएंगे, तीन प्रकार के हो जाएंगे। अब अगली बात देखिए कि इनको दर्शाया कैसे जाता है। हमने पढ़ा रिडक्शन स्केल यानी लघुकरण पैमाना, यानी जो भी साइज था उसको छोटा कर दिया हमने। आर एफ फैक्टर में हमने ऊपर क्या लिखा था, ड्राइंग में साइज, ड्राइंग शीट पर, मतलब हम बना कितना रहे हैं, बट्टे में क्या था उसका वास्तविक आकार। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ड्राइंग में साइज अनुपात, जब भी कोई चीज़ बट्टे में होती है तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अनुपात वास्तविक आकार आ जाएगा उसका। तो अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर एक अनुपात दो लिखा है, एक अनुपात दो, तो इसका मतलब क्या है, दो तो उसका वास्तविक आकार है और उसको ड्राइंग में एक बना रहे हैं, तो दो को हमने क्या किया, एक कर दिया, तो उसके साइज़ को क्या कर दिया, छोटा। तो ये कौन सा हो जाएगा, लघुकरण पैमाना। इसीलिए अगर लघुकरण पैमाने को किस द्वारा दर्शाया जाता है, एक अनुपात एक्स के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी ड्राइंग जो वास्तविक आकार है उसका, ये तो एक्स था और हमने उसको एक बना दिया। आपको इस तरह से बोल के याद रखना है, एक्स तो उसका साइज था और हमने उसको एक बना दिया। इसी तरह से अगर बात करते हैं फुल स्केल की, तो फुल स्केल में तो हमेशा ये अनुपात एक अनुपात एक ही होगा। अब फिर बात करते हैं वर्धमान पैमाना या इनलार्ज स्केल या विस्तारित पैमाना। तो इसमें देखिए आपको यहाँ पर अनुपात क्या दिया है, 50:1, 50:1। हमें पता है आर एफ फैक्टर में पहले क्या होता है, ड्राइंग का साइज, बाद में क्या होता है, उसका वास्तविक आकार। तो अब आप देखिए, उसका वास्तविक आकार तो एक था, हमने ड्राइंग शीट में उसको 50 बना दिया, मतलब साइज़ को बड़ा कर दिया। जब बड़ा करते हैं साइज़ को तो कौन सा हो जाएगा, इनलार्ज स्केल या वर्धमान पैमाना हो जाएगा। और अब हमें एक एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 50:1 है, तो इसमें आप बताइए कि 50 क्या है। तो 50 क्या है, ड्राइंग में साइज, और एक क्या है, उसका वास्तविक आकार आता है। तो अब आइए देखते हैं स्टैंडर्ड मान क्या क्या होते हैं। लघुकरण पैमाने की अगर बात करें अपने, तो इसके जो स्टैंडर्ड मान है वो ये होते हैं कि दो उसका साइज था, हमने इसको एक बना दिया। इसी तरह से 20 को एक बना दिया, फिर 200, फिर 2000 को एक बना रहे हैं। इस तरह से बोल के याद रखना है। अगला देखिए, 5 कौन सा है, उसका वास्तविक आकार है, और एक क्या है, ड्राइंग में है, तो ये लघुकरण पैमाना हो जाएगा। इसी तरह से 50, 500 और 5000, और कौन सा है, 1:10, 1:100 और 1:1000, 1:10,000। हमें आर एफ फैक्टर का फॉर्मूला याद रखना है, उसमें ऊपर आता है ड्राइंग में साइज, मतलब एक तो है ड्राइंग में साइज और 10 क्या है, उसका वास्तविक साइज। उसके बाद देखिए पूर्ण स्केल, इसमें सिर्फ एक ही रहता है, 1:1 रहता है। फिर बात करते हैं वर्धमान पैमाने की, तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या था, 1:5 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5:1। 5:1 का मतलब क्या है, एक तो उसका वास्तविक आकार है और हमने कितना बनाया है, 5 बनाया है, तो कौन सा पैमाना हो जाएगा, वर्धमान। इसी तरह से 20:1, 10:1, इस तरह ये स्टैंडर्ड इनके मान हो जाएंगे। आगे इनके आधार पर क्वेश्चन भी है, आइए देखते हैं। स्केल की अगर हमें कम से कम लंबाई निकालनी हो तो क्या करेंगे, देखिए मान लो कि 10 किलोमीटर की अधिकतम उसका माप है किसी वस्तु का, और हम आर एफ फैक्टर बता रहे हैं कि 0.5 है या 1/2 है, तो उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, स्केल कितना बनाएंगे, 5 किलोमीटर, मतलब हमने उस लंबाई को क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो इसी तरह से ये फॉर्मूला याद रखने के लिए बताया मैंने आपको। तो देखिए स्केल की कम से कम लंबाई क्या हो जाएगी, आर एफ फैक्टर गुणा में क्या है यहाँ पर, स्केल द्वारा दिखाए जाने वाली अधिकतम लंबाई। तो आर एफ फैक्टर का ये भी हमें याद रखना है, ठीक है, या फिर
ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर एफ फैक्टर बराबर स्केल की कम से कम लंबाई बटे स्केल द्वारा दिखाए जाने वाली अधिकतम लंबाई, उसको बटे में ले जाएंगे। फिर है स्केल, आमतौर पर हम कौन सा यूज़ करते हैं, 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का। और आगे क्या है, परंतु 15 सेमी लंबी स्केल का प्रयोग क्या किया जाता है, ज़्यादा किया जाता है। अगर हमसे पूछे कि स्केल कितने लंबाई के बनाए जाते हैं, तो 15 और 30 सेंटीमीटर के, और ज़्यादा कौन सा यूज़ किया जाता है, तो 15 सेंटीमीटर का। 15 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है उसकी जो चौड़ाई है वो होती है कितनी, ये होती है 20 mm, और जो 30 सेंटीमीटर वाला होता है उसकी 35 mm चौड़ाई होती है। तो ये भी आप ध्यान रखना है अपने को। उसके बाद देखिए मापनी या स्केल के प्रकार कौन से हैं। पहला है प्लेन स्केल, फिर है डायगोनल, तीसरा है कंपेरेटिव, चौथा वर्नियर, और स्केल ऑफ कॉर्ड मतलब जीवा स्केल इसको बोला जाता है, जीवा स्केल, ठीक है, जीवा पैमाना। प्लेन स्केल है तो इसमें हम दो इकाइयां मेजर कर सकते हैं, कोई भी दो लगातार, जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, इस तरह से। डायगोनल स्केल से हम 3 इकाइयों का मापन करते हैं, और कंपेरेटिव स्केल में हम करते हैं 2 भिन्न भिन्न इकाइयों का मापन, जैसे किलोमीटर है, मीटर है। कोई भी इकाई होगी तो उसके अगली इकाई उसका 10वां भाग होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं सेंटीमीटर, तो उसकी अगली इकाई कौन सी हो जाएगी, इससे छोटी mm होगी। जैसे अगर किलोमीटर बोलूं तो इसके बाद मीटर नहीं होगा कभी भी, हेक्टोमीटर होगा इसके बाद, और तीसरी इकाई क्या हो जाएगी, डेकामीटर हो जाएगी, आपने पढ़ा भी होगा। तो इस तरह से ये है। वर्नियर स्केल की बात करें, अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे शुद्ध पैमाना आप कौन सा है, सबसे शुद्ध माप लेना है, तो कौन सा यूज़ करेंगे, वर्नियर पैमाना। और ये 0.01 mm तक क्या करता है, माप शुद्धता से पढ़ता है। फिर है स्केल ऑफ चौड मतलब जीवा स्केल। तो जीवा स्केल कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, जब हमारे पास क्या नहीं है, चांदा अवेलेबल नहीं है, तो ये कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, किसका, जीवा स्केल का यूज़ करेंगे, जब हमारे पास प्रोटेक्टर या चांदा नहीं है। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन को करने में आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। आर एफ रिडक्शन स्केल हमें पूछा है, रिडक्शन पूछा है, तो आप याद रखिए रिडक्शन में क्या होता है, जो ड्राइंग का साइज़ है वो छोटा होता है और एक्चुअल साइज़ बड़ा होता है। तो देखिए ये तो आंसर है ही नहीं, ऐसा तो कोई अनुपात होता ही नहीं है। अब 1:1 है वो फुल स्केल का होता है, ये भी नहीं है। अब आप ड्राइंग को कैसे पढ़ते हैं, जो पहले लिखा होता है वो होता है ड्राइंग में जो हम बना रहे हैं, और बाद में उसका वास्तविक आकार होता है। तो यहाँ देखिए इस ऑप्शन को देखें, तो एक तो है वास्तविक आकार और हम कितना बना रहे हैं, 50, मतलब स्केल को बड़ा कर रहे हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। फिर सी देखिए कि वास्तविक आकार 20 है, हम उसको 1 बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन स्केल हो जाएगा, तो सी आंसर है यहाँ पर। अगला देखिए, इनलार्ज स्केल पूछा है, मतलब आप स्केल को बड़ा कर रहे हो, तो कौन सा ऑप्शन होगा, नो नहीं, ये डी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, क्योंकि फुल स्केल है। फिर ये देखिए 50 को आप 1 बना रहे हो, मतलब ड्राइंग में तो 1 बना रहे हो और वास्तविक 50 है, तो ये तो लघुकरण पैमाना है, ये भी नहीं होगा। फिर देखिए ए इसका राइट आंसर है, ड्राइंग में 50 बना रहे हैं और वो कितना है 1। तो इस तरह से हमें पैमाने पहचानने हैं। हमसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मोबाइल के टावर की आप ड्राइंग बनाओगे तो कौन सा स्केल यूज़ करोगे, तो हमें पता है उसके लिए लघुकरण या छोटा पैमाना यूज़ करेंगे। कॉमन सेंस भी हमें साथ रखना है, क्योंकि देखिए उतनी बड़ी ड्राइंग नहीं बना सकते, ड्राइंग को छोटा बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फुल स्केल का आर एफ फैक्टर तो ये हमें पता है 1:1 होगा। फिर है समरूप त्रिभुज के सिद्धांत पर कौन सी स्केल कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर है डायगोनल स्केल, या लिखा आ सकता है डायगोनल को क्या बोलते हैं, विकर्ण स्केल बोला जाता है। और ये क्यों होता है, मैं आपको आगे डायग्राम दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए जब भी किसी लाइन को अपने विभाजित करते हैं, जैसे इसको बराबर देखिए 10 भागों में विभाजित कर रहे हैं, तो एक परपेंडिकुलर खींचा, फिर इसके अगर 10 भाग करने पर इसको ऐसे मिला रहे हैं, तो ये कौन से त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। तो ये आप कोई भी त्रिभुज देख लीजिए, ये त्रिभुज देखिए, भले ये पूरा त्रिभुज देख लीजिए या ये बड़े वाला, सारे क्या हैं, समरूप हैं। तो ये डायगोनल स्केल में होता है ऐसा, तो समरूप त्रिभुज के आधार पर कौन सा स्केल काम करता है, डायगोनल स्केल। और डायगोनल स्केल बनता कैसे है वो आप डायग्राम में देख सकते हो। देखिए एक इकाई यहाँ पर शो की जाती है, दूसरी इकाई यहाँ पर, और तीसरी इकाई यहाँ पर। मैंने आपको बताया था कि डायगोनल स्केल में 3 इकाइयाँ देख सकते हैं और प्लेन स्केल में 2। तो यहाँ पर कौन सी है, देखिए अगर इस पैमाने की बात करें तो ये देखिए किलोमीटर शो होगा, यहाँ पर हो जाएगा हेक्टोमीटर, और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डेकामीटर शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 3 इकाइयाँ हो रही है। अगर प्लेन स्केल होता तो सिर्फ ये 2 ही इकाइयाँ शो करता, कौन सी,
ये दो, आगे मैं डायग्राम दिखाऊंगा आपको। तो अब यहाँ देखिए ये जो त्रिभुज बन रहा है ये कौन सा है, जो मैंने आपको पहले दिखाया है। तो इस तरह से डायगोनल स्केल है वो किस पर काम करता है, समरूप त्रिभुज के सिद्धांत के आधार पर। अगला है एक अनुपात एक किस स्केल का एग्जाम्पल है, तो ये हमें पता है फुल स्केल। नेक्स्ट है एक अनुपात दस, मतलब ड्राइंग में एक है और वास्तविक क्या है उसका, 10 है आकार, तो उसको क्या कर रहे हैं अपने छोटा कर रहे हैं साइज को, तो कौन सा हो जाएगा, रिडक्शन स्केल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, 20:1 किस स्केल का दर्शाता है। अब यहाँ से आपको पता चलना चाहिए 20 क्या है, ड्राइंग में है और वास्तविक क्या है, एक है। तो एक को हम 20 दिखा रहे हैं, मतलब ये बड़ा कर रहे हैं स्केल को, तो इनलार्ज स्केल। नेक्स्ट है स्केल निम्न प्रकार की होती है, तो हमने पढ़ ही लिया स्केल फुल स्केल भी होता है, रिड्यूस स्केल भी होता है, इनलार्ज भी होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए घड़ी के पुर्जों या सुई की ड्राइंग बनाने के लिए किस प्रकार की स्केल प्रयोग में ली जाती है। तो घड़ी के पुर्जे क्या है, बहुत छोटे होते हैं, अगर उतनी बड़ी ड्राइंग बनाएंगे तो हमें दिखेगा ही नहीं, तो उसके साइज को बड़ा किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, इनलार्ज स्केल। नेक्स्ट है कोई भी स्केल बनाने के लिए किन जानकारियों का होना आवश्यक है। तो ये चीज़ रह गई थी, मैं अब आपको बता देता हूँ कि हमें तीन चीज़ चाहिए होती है। पहला होता है आर एफ फैक्टर, दूसरा है मापों की इकाई कि जो माप है उनकी इकाई क्या है, और तीसरी कि वस्तु का जो भी वास्तविक आकार हो भले ही बड़ा हो छोटा हो हम उसको ड्राइंग में कितना दिखा रहे हैं। तो ये सी क्या है, स्केल द्वारा दिखाई जाने वाली अधिकतम लंबाई, तो इसका राइट आंसर डी है यहाँ पर। तो ये तीन चीज़ें हमें ज़रूरी होती हैं। अगला देखिए स्केल आम तौर पर कितनी लंबाई की बनाई जाती है, तो 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दोनों होती है, तो ए और बी राइट आंसर है हमारा। अगर ऐसा पूछा जाता है कि आम तौर पर ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर कौन सा यूज़ में लिया जाता है, तो कौन सा हो जाता है, 15 सेंटीमीटर हो जाता। नेक्स्ट देखिए प्लेन स्केल पर कितनी इकाइयाँ पढ़ी जा सकती है, तो आंसर 2। नेक्स्ट देखिए डायगोनल स्केल पर कितनी इकाइयाँ पढ़ी जा सकती है, मैंने आपको बताया था इस तरह से एक इकाई यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर और तीसरी यहाँ पर, तो 3 इकाइयाँ हो जाएगी। नेक्स्ट अब आपको यहाँ पर इनके डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, ये कौन सा है, प्लेन स्केल है, तो देखिए यहाँ पर 2 इकाइयाँ हैं, कौन सी, हेक्टोमीटर, और कौन सी है, ये हेड मीटर नहीं है, हेक्टोमीटर है, ये हेक्टोमीटर है यहाँ पर, और ये 7 किलोमीटर, तो 2 इकाइयाँ दिखाई गई है। और किस तरह से वो देखिए, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इकाई है, कौन सी है, किलोमीटर है, और दूसरी इकाई जो इसके 10 भाग किए हैं यहाँ पर, इस एक बॉक्स के 10 भाग कर लिए, तो ये दूसरी इकाई आ जाएगी यहाँ पर हेक्टोमीटर। 10 भाग क्यों किए हैं, देखिए 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, 10। तो इस तरह से ये प्लेन स्केल हो गया। अब दिखा रहा हूँ मैं आपको डायगोनल स्केल, जो मैंने आपको पहले भी शो किया था, तो एक इकाई यहाँ से यहाँ तक, दूसरी इकाई इस भाग से और तीसरी इकाई इस भाग से दिखा जाएगी, इसमें देख सकते हो इकाई वाले अंक है मतलब 0 है तो वो यहाँ पर दिखाया जाएगा, दाई वाला अंक है वो यहाँ पर, और जो एक मतलब 100वां भाग है जैसे 700 बोल रहे हैं तो वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये आप देख भी सकते हो यहाँ पर, ये देखिए ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चित्र में दिखाई स्केल में माप एक्स का मान हमें बताना है कि क्या होगा, एक्स का मान बताना है हमें, तो आप एक्स देखिए कहाँ से कहाँ तक है, 0.5 ये रहा और उसके बाद 1, 2 और 3 तक जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 0.5 और 0.3, 0.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए आर फैक्टर दिया है हमें, एक्स का मान बताना है। अब देखिए यहाँ सारी इकाइयाँ मीटर में है तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ स्केल को देखिए कितना है, 1.5 और यहाँ तक 1, 2 और 3, तो 1.5 और 0.3, 0.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर 1.8 मीटर भी दे दिया जाए और 1.8 के अलावा किलोमीटर भी दे दे, तो हम कैसे करेंगे कि वो किलोमीटर हमारा राइट आंसर है या ये मीटर वाला राइट आंसर है। तो आप देखिए हमने क्या किया था, स्केल की लंबाई हमें दी है, स्केल की लंबाई का मैंने सूत्र बताया था, कैसे बताया था कि स्केल की जब लंबाई हमें निकालनी हो तो क्या करते हैं, आर एफ फैक्टर को गुणा करते हैं किससे, अधिकतम लंबाई से। अब हमारे पास स्केल की लंबाई तो है यहाँ पर ये अधिकतम लंबाई नहीं है, तो क्या करेंगे, स्केल में आर एफ फैक्टर का भाग देंगे, तो स्केल कितना है, 15 सेंटीमीटर का है और आर एफ फैक्टर कितना है, 1:20 मतलब 1/20, तो 1/20 करूँगा तो 20 ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, तो 15 गुणा 20 क्या आ जाएगा, 300,
और ये 300 क्या है, देखिए ये 15 सेंटीमीटर में था यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 300 सेंटीमीटर, और 300 सेंटीमीटर का मतलब 3 मीटर, ठीक है। तो आप देख भी सकते हो ये स्केल, देखिए 0 से लेकर 2.5 मतलब 2.5 मीटर ये हो गया, और 0.5 मीटर ये रहा, 3 मीटर को दर्शा रहा है, तो हमारा राइट आंसर मीटर में हो जाएगा। अगर वो 300 के आगे 3 जीरो मान लीजिए और आ जाती तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो काट देंगे, किस में बन जाएगा वो मीटर में, फिर 3 जीरो काट देंगे तो किलोमीटर बन गया, तो वो 3 किलोमीटर हो जाता हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये पता भी करना है कि वो किस में होगा ऑप्शन के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, एक्स का मान हमें बताना है, तो इसका आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या होगा, ध्यान से देखिए इसको। उसके बाद इतने ही क्वेश्चन है आज के लिए, तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, अगर कोई भी कमी है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, ताकि अगले जो लेक्चर है उसमें ये क्लियर कर दी जाएगी। तो ये था स्केल का पार्ट, और जितने भी आगे क्वेश्चन पॉसिबल होंगे आप तक ज़रूर पहुंचा दिए जाएंगे। और अगला वीडियो देखना ना भूलें, वो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का, कि किस तरह से बनते हैं जो 3D आकृतियाँ होती है उनका। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ दिन।